चीन में कोरोना ने जो दहशत फैलाई है उसका असर हिंदुस्तान में दिखने लगा है। अभी एक 15 दिन पहले की बात है, किसी को नहीं पता था कि कोरोना की चौथी लहर आएगी कि नहीं आएगी, सब बेफिक्र थे। लेकिन जैसे ही चीन ने अपने आंकड़े पेश किए और पूरी दुनिया का पता चला कि कोरोना चौथी लहर में प्रवेश कर गया है, वहाँ पर तहलका मचा रखा है। इसको देखते हुए पूरे देश भर के जिला अस्पतालों में मॉकड्रिल की गई। इसी के तहत आज प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें CMO समेत सभी डॉक्टरों को अलर्ट किया गया। कोरोना वार्ड सारे वार्डों में कहा गया कि दूरियां बना रखें, लोग मास्क में आएँ, दवाएं दी जाएं, अगर जरूरत पड़ते हुए टेस्टिंग कराई जाए। आज इसी को लेकर सुबह मॉकड्रिल में सारे लोग मौजूद थे। कैमरामैन विजय राजा के साथ ज्ञान प्रकाश चौहान न्यूज़। मॉकड्रिल के अंदर आज यहाँ पे मैं PL शर्मा में हूँ। यहाँ पे हम कोविड की प्रिपेडनेस जो है उसकी मतलब प्रिपेडनेस तैयारी देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा ICU के अंदर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे हमारे वेंटिलेटर्स वगैरह सब काम कर रहे हैं। बाईपैप अलग अलग मोड्स पे काम करते हैं। पूरी तरह मशीन फंक्शनल है हमारी। हमारा 1000 LPM का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, सुचारू रूप से काम कर रहा है और बाकी तैयारी बिल्कुल संपूर्ण है पूरी तरीके। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलावा कहाँ का ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलावा ये LLRM मेडिकल कॉलेज, ये सुभारती मेडिकल कॉलेज, ये NCR मेडिकल कॉलेज, CHC मवाना, CHC सरधना, CHC हस्तनापुर और किठोर में 50 बेड का हॉस्पिटल है, उस जगह डॉक्टर चल रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर क्या कुछ है? ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे 14 गवर्नमेंट सेटअप में हैं, जिसके अंदर हमारे LPA और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं और ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स भी हैं, तथा प्राइवेट सेक्टर के अंदर 13 हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं।